बलूचिस्तान मंजूरी के लिए मेरी बात सुने देखें आपसे सोना और चांदी इसीलिए चला गया कि आप लोग बहुत सी चीजें इधर बड़ी बड़ी चीजें कौन सा रजिस्ट्रेशन लेसन साहब नहीं इट्स नॉट अबाउट रजिस्ट्रेशन हम इस बिल के हक में हैं हम इसके खिलाफ नहीं हैं लेकिन लेट बी क्लियर हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कल बलूचिस्तान के मुफादात कल इसी बिल को तो आपके पास सना साहब पांच दिन हैं आप पांच दिन के अंदर तो आप एग्जेम्पशन ना मांगे पांच दिन के बाद मंजूरी के लिए फिर पेश करेंगे अमेंडमेंट के साथ तो अभी नहीं ले आए ना एग्जाम डेफर कर दे पांच दिन के लिए ना नहीं एग्जाम सर डेफर कर दे ना डेफर कर दे चार या पांच नहीं होगा एग्जेम्प्ट होगा फिर मंजूरी के लिए पेश होगा अमेंडमेंट के साथ डेफर कर दे डेफर कर दे इसको जो 16 या 17 को जो आखिरी इजलास है उसके लिए ले आए हम इसको पढ़ेंगे हम अपने अगर आपके पास मतलूबा वोटिंग होगी तो ऑटोमेटिक डिफर हो जाएगी देखिए अगर गवर्नमेंट के पास वोट उसके आपको फिर भी टाइम है आप पांच दिन के अंदर अंदर कोई तजवीज दे सकते हैं जिसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है अमेंडमेंट के साथ मंजूर हो जाएगा 12 तारीख को स्पीकर साहब इसीलिए हम चाहते थे मलिक साहब लेती तो सके हम चाहते थे कि अफाम और तफसील आज के साथ एग्जाम होगा 12 तारीख मंजूरी के लिए पेश होगा जनाब आखिर यही हुआ देखें अगर अगर आप बलूचिस्तान की ओनरशिप इसमें नहीं चाहते हैं वोटिंग करवाएं एक दो वोट से आप जीत जाएंगे इसमें बलूचिस्तान की ओनरशिप नहीं होगी एक लजिटिमेट एक अच्छी हुकुमरानी उसकी को कहते हैं जब आप बलूचिस्तान के वाले से कानून साजी बनाते हैं ओनरशिप उसमें होनी चाहिए 100% लोग इसको ओन करें 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 वोट की वोटिंग के लिए डाल दें ओनरशिप नहीं होगी लेकिन पांच दिन है इसमें अमेंडमेंट के लिए लाएं बलूचिस्तान बलूचिस्तान की बदकिस्मती यही है आया मंजूर किया जाए अक्सरियत कर लें गो अहेड ओनरशिप आपके पास पांच दिन है क्यों इस पे बहस कर रहे हैं डेफर कर दें पांच दिन के लिए वैसे भी आज एग्जम्प्ट हो रहा है मंजूरी के लिए दोबारा पेश होगा बिल्कुल ओनरशिप होती है जो तो अभी वोट करें या क्या करें या साथ दे दें या तो डेफर करें सर मैं इसमें एक एक क्लॉज है क्लॉज डी पढ़ रहा हूं मालिक सर मैं एक क्लॉज डी पढ़ रहा हूं ये अंग्रेजी में है सेक्रेटरी साहब जो बिल आता है ना उसको तकरीबन हफ्ते पहले ये मेंबरान को दे दें ताकि वो स्टडी करें आए अगर उसमें जुमा जुमा का जनाब स्पीकर तीन चार पांच दिन ज्यादा जनाब स्पीकर ठीक जनाब स्पीकर मैं इसका एक क्लॉज पढ़ रहा हूँ सिर्फ एक क्लॉज मेरे पास देखें वक्त की कमी है वरना इसको क्लॉज बाय क्लॉज हम पढ़ते क्लॉज डी इसमें है और फिर मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट में भी आऊंगा हमारे बहुत से दोस्त शायद पढ़ते नहीं हिस्ट्री से आलात से वाकिफ नहीं और मैं भी जब चौधरी निसार वजीर दाखिला थे मैं उसके साथ अब इसको लिंक करता हूं थोड़ी देर के लिए जरा सोचना आप चैरिटी मीन्स अ सोसाइटी एन एजेंसी एन एनजीओ एनपीओ अ ट्रस्ट मदरसा अ रिलीजियस सेमिनरी यानी मजहबी स्कूल और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन बाय एनी अदर नेम दैट इज अ नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस नेचुरल और ज्यूरिस्टिक not controlled by any government and set up for one or more public benefit purpose mentioned in the schedule and included local branches of foreign non-foreign ye ek lambi ab main aapko choti si misal dunga jis tarah asad sahab ne badi achhi baatein ki sardar sahab ne badi achhi baatein ki hum chahte hain ki balochistan aur pakistan mein sari cheeze badi tartib ke sath kanoon ke sath ho zaur sahab ne ye kaha ki ji ye jo financial hamara jo task force hai ye uski requirement hai lazam ne jaldi karni hai इससे पहले आपको याद है कि बलूचिस्तान में जब उसामा बिन लादन के मसले के बाद उस वक्त जब सेव द चिल्ड्रन पर पाबंदी लगाई गई सेव द चिल्ड्रन का बलूचिस्तान में काफी काम चल रहे थे उन्होंने क्या किया जनाबे वाला कि बलूचिस्तान में तमाम एनजीओज अरान और पंजाब में तमाम एनजीओज अलाल जो सेव द चिल्ड्रन जिसको इन्होंने उसामा बिन लादन के केस में कहा कि जी ये एनजीओ मुल्क दुश्मन गद्दार है जिसकी मिसाल अब सरदार साहब दे रहे हैं अगर वो गद्दार वो मुल्क दुश्मन पाकिस्तान की कौमी सालमियत और सलामती के हवाले से खिलाफ उन्होंने काम किया था मैं आपको रिकॉर्ड में लाके दिखा दूंगा कि चौधरी निसार ने कहा कि बलूचिस्तान से पैकअप करें लेकिन पंजाब में आप हिलाल हैं और गरीब सूबा
जहां 86% लोग गुर्बत का शिकार हैं, वहां से आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को एक एक करके इसलिए भगाते हैं कि जनाबे वाला ये जो है गद्दारी में, ये मुसल्ला जद्दोजहद में, ये फंडिंग में। हम कहते हैं मुसल्ला जद्दोजहद, फंडिंग, इस तरह कोई भी इन्वॉल्व है, आपके पास कवानीन है, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लेकिन फिर पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड ये होना चाहिए था, ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं हुआ। अब मुझे ये है कि हम इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं बिल्कुल जो कौमी सलामती के खिलाफ कोई इदारे हैं, कोई एनजीओज हैं, कोई काम करना चाहते हैं, उन पर आप कदगन लगाएं, कानून बनाएं, कवानीन बनाएं। लेकिन इन अराकीन असेंबली को थोड़ी सी इलम भी मिल जाएगी। आप 4-5 दिन चीजों को डेफर करेंगे, कल आपसे कोई पूछेगा आपके आपके सूबे में किस तरह का कानून आया, नाम क्या है, शिके क्या है उसकी, उसमें चीज क्या थी। यही तो बदकिस्मती है, सोना ले जाते हैं, चांदी ले जाते हैं, कवानीन हम बनाते हैं, खुद इस असेंबली के अरकान को मालूम नहीं है। आप इतना बड़ा पलंदा ले आए, कितने पेजेस हैं, आप मुझे बताएं, इस पे एग्जम्पशन ले रहे हैं, ये अरकान असेंबली को क्या पता हमने क्या पास किया। ये थोड़ा सा खुदा और रसूल के लिए रूल 84 को देखें। 5 दिन काफी, 5 दिन नहीं, 17 या 18 तारीख को आखिरी इजलास है, उस तक आप इनको कहें। मैं थोड़ा सा मशवरा, सर मेरी बात सुने 2 मिनट के लिए। आप समाजी बहबूद के मुकमे को कहें एक स्पेशल सेशन रखें, अराकीन असेंबली को बुलाएं, अगर स्टैंडिंग कमेटी का इजलास नहीं हो सकता 17 तारीख से पहले, इस पे मुकम्मल ब्रीफिंग दें, इनको इत्मीनान में लें, इनकी डेलिब्रेशन करें, इनको अंडरस्टैंडिंग हो कौन सा चीज पास कर रहे हैं। आपके साथ बिल पेश किया, कल इसकी ओनरशिप होगी, कल सना बलोच भी खड़ा होकर इसकी दिफा करेगा जी मिनिस्टर साहब। आप अक्सरियत में पास करेंगे, इसकी ओनरशिप नहीं होगी, इसको कहते हैं ओनरशिप। थैंक यू। किसी बाकी गवर्नमेंट वाले कुछ जानते नहीं है, ये सारे हमारे शागिर्द इस तरीके से नहीं है। जो चीज हम बनाते हैं यहाँ, जो कानून हम बनाते हैं यहाँ, बलूचिस्तान की कुलियतन मफाद में है। यहाँ तो हम एक बलूचिस्तान के कंट्रोल में होंगे, ये सारे चीजें पहले बलूचिस्तान के कंट्रोल में नहीं थे। वफाक से जो चीज़ आती थी यहाँ, जो काम करते थे फिर यहाँ के उठ के जाते थे, हमें कोई पता नहीं थे। आज बलूचिस्तान गवर्नमेंट नहीं छोड़ रहा है, पिछले 70 साल में अगर ये चीज़ें हो रही थी, आज बलूचिस्तान गवर्नमेंट में वो लोग आए हुए हैं जो अपने हुकूक को समझते हैं, बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, वो कानून बनाते हैं जो बलूचिस्तान की वसीतर मफाद में, हर पहाड़ के दामन के रहने वालों की, हर गरीब के, हर मिस्कीन के हुकूक की दिफा करने के लिए चीज़ों को हम बना रहे हैं। एक अथॉरिटी बनेगी बलूचिस्तान के कंट्रोल में, सारे चीज़ें होंगी। ये तो बात तो करते हैं सूबह खुद मुख्तारी की 18वीं तरमीम में, यहाँ कौन सी ओनरशिप की बात है, रिकॉर्डिंग की तो बात ही नहीं हो रही है, ग्वादर की समंदर की बात ही नहीं हो रही है, वसाइल की तो बात ही नहीं हो रही, हम तो रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो आपके कहने में आपको कहीं किसी जगह से कोई ताल्लुकात है, आप कहते हैं उनको यहाँ छोड़ है जहाँ से बलूचिस्तान की सरजमीन फ्री है। अभी कोई बलूचिस्तान हुकूमत को बाईपास करके नहीं जाएगी, उनको यहाँ रिपोर्ट करना होगा। जिस बंदे को बलूचिस्तान की हालत अगर खराब करने हैं, हम उनको नहीं छोड़, इसमें बलूचिस्तान की अमन, इसमें बलूचिस्तान की डेवलपमेंट, इसमें बलूचिस्तान की बेहतरी सारे इसमें शामिल हैं। इनके पास कोई पॉइंट ही नहीं है, ये बात कर नहीं सकते, 10 दफा इसको स्टडी करें, ये कोई तजावीज हमें दे नहीं सकते, इसी को पास करेंगे। ये जिद कर रहे हैं, अब जिद नहीं करें।